हरे कृष्णा। तो आज का हमारा प्रश्न है हाउ टू कंट्रोल सेंसेस। हम अपनी इंद्रियों को अपने वश में कैसे रख सकते हैं और इसकी क्या ज़रूरत है। आइए इसको समझाने के लिए मैं आपको एक छोटा सा स्टोरी सुनाता हूँ। एक सिटी में एक छोटी सी घड़ी रिपेयरिंग करने की, वॉच रिपेयरिंग की दुकान थी और उस दुकान मालिक के दो बच्चे थे। बड़े बच्चे को वो व्यक्ति अपनी दुकान पर लाता था। धीरे धीरे बड़े बेटे ने घड़ी बनाने की कला सीख ली, बहुत ही माहिर हो गया वो। साथ ही साथ उसे थोड़ा बहुत अभिमान भी हो गया, मोह हो गया कि मैं बहुत बढ़िया घड़ी बना सकता हूँ, बहुत अच्छे से बना सकता हूँ और मैं ही बना सकता हूँ। और वाकई वो अच्छा घड़ी बनाता था, अच्छे से रिपेयर करता था। यदि मैं इस स्टोरी को पीछे से लिंक करूँ तो मैं, मेरा, यह हम आ गया उसे और हम आया तो मतलब रजोगुण में गिरा। और फिर उस दुकान के मालिक ने छोटे बेटे को भी धीरे धीरे लाना उस दुकान में शुरू किया। जैसे ही दो चार दिन लाया ही था कि उनकी मृत्यु हो गई। अभी दोनों भाई दुकान संभालने लगे। बड़े को अहम था कि मैं बहुत अच्छे तरीके से घड़ी रिपेयर कर सकता हूं। उसने छोटे भाई के साथ अभद्र व्यवहार करना शुरू कर दिया, डांटना फटकारना शुरू किया। साथ ही साथ वो कुछ नशे भी करने लगा क्योंकि उसकी इंद्रियां कंट्रोल में नहीं थी, वो इंद्रियों के कंट्रोल में हो गया था। ओ नीचे गिरने लगा। अब नीचे गिरते गिरते रजोगुण से तमोगुण में पहुंच गया वो। फिर उसने सोचा कि मैं इतना सुंदर घड़ी बनाता हूं, मैं इतना सुंदर मैकेनिक हूं, ये छोटा खाली बैठे बैठे खाता है। उसने दुकान की बंटवारा कर ली। अब छोटे भाई के दुकान में कोई लोग आते नहीं थे, बिल्कुल खाली रहता था और बड़े भाई के दुकान में बड़ी भीड़ लगी रहती है, बहुत भीड़ रहती थी। लेकिन क्योंकि उसे अहम हो गया था, अहम के साथ साथ गलत संगति हो गई थी, इंद्रियों उसके वश में नहीं थे, उनकी इंद्रियां, अतः वो मनमानी करने लगा। दुकान खोलने का कोई समय नहीं, कभी दुकान खोलता कभी नहीं भी खोलता। ग्राहक उससे परेशान हो गए, ग्राहकों से अच्छा व्यवहार नहीं, नशे में रहता, जिससे काम में भी गड़बड़ी होने लगी। लेकिन उसके छोटे भाई जो भी अपने पिता से सीखा था, बड़े लगन से अपने माइंड को फुली कॉन्सेंट्रेट करके उस पर काम करने लगा, अच्छे से सीखने लगा और अच्छे से घड़ी बनाने के लिए वो सीख गया। धीरे धीरे उस काम सीखता गया। अब उसकी दुकान भी चल पड़ी, लोग उसके दुकान पे आने लगे। तो इस स्टोरी से हम देखते हैं कि किस प्रकार यदि हमारे इंद्रियां हमारे कंट्रोल में नहीं है तो हम सफल होकर भी असफल हो जाते हैं, हम सफल नहीं हो सकते। जिंदगी में सफल बनने के लिए हमें अपने सेंसेस को कंट्रोल करना होगा। लेकिन क्या इंद्रियों को कंट्रोल करना इतना आसान है, सेंसेस को कंट्रोल करना? बिल्कुल नहीं। लेकिन यदि हम भगवान श्री कृष्ण के बातों को मानेंगे, कि भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता में कहे हुए इस बात को मानेंगे तो हम निश्चित अपने इंद्रियों को कंट्रोल कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता के 3 अध्याय के 41वें श्लोक में कहते हैं क्या, तस्मात् त्वम् इंद्रियाणि यादो नियम्य भरत ऋषभा पापमानं प्रजीहेनं ज्ञान विज्ञान नाशनम। हे अर्जुन, प्रारंभ में ही इंद्रियों को वश में करने का प्रयास करो, प्रारंभ से ही इस इंद्रियों को वश में करो और इस महान पाप के प्रतीक का दमन करो। मतलब जहां से उत्पन्न हो रहा है, स्टार्टिंग पॉइंट या जब शुरू हुआ उसी समय अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करो। और यदि आत्म साक्षात्कार के और ज्ञान तथा आत्म साक्षात्कार के इस महान विनाशकर्ता का वध करो। यदि नहीं करोगे तो ज्ञान विज्ञान नाशनम, ज्ञान विज्ञान सबका ये नाश कर देगा, ध्यान रहे। अतः इससे पहले कि ये तुम्हारे लक्ष्य का भेदन करे, तुम इसका भेदन कर दो, तुम इसको खत्म कर दो। और कैसे? तो प्रारंभ से ही प्रयास करो, प्रयास करोगे तो सफल होोगे, निश्चित ही तुम्हें जो है कंट्रोल होगा तुम्हारे सेंसेस पर। प्रयास करने से एक कोमल रस्सी भी एक सख्त पत्थर के ऊपर घिस कर निशान बना देती है। तो यदि हम क्या अपने इंद्रियों को कंट्रोल करने का, घिसने का प्रयास करेंगे तो ये सेंसेस क्या हमारे कंट्रोल में नहीं आ जाएगा? बिल्कुल आएगा। बस हमें क्या करना है, प्रयास करना होगा, हमें अपने लाइफ स्टाइल को सुधारना पड़ेगा, रेगुलेट करना पड़ेगा। यदि आप जानना चाहते हैं कि हम अपने लाइफ को रेगुलेट करें, कैसे करें, हमारे चैनल पे ऑलरेडी वीडियो है कि जीवन को रेगुलेट कैसे करें, आप देखिए उसे। ध्यान रहे, सेंसेस को कंट्रोल करना है तो प्रारंभ से ही करना होगा। कुछ नॉनसेंस लोग, कुछ मूर्ख लोग कहते हैं कि पहले जो चीज इच्छा करे आपके सेंस को करने का, उसे करने दो, फिर जब वो उब जाएगा तब उसे शांत करो। नहीं, ध्यान रखिए, यदि याग में घी डालिएगा तो वो भभकेगा, बंद नहीं होगा। ठीक है, यदि हमें यहाँ पे खुजली होती है, जब हम खुजलाते हैं तो इसकी खुजलाहट जो और बढ़ती है, घटती नहीं है। वैसे ही यदि हम इस इंद्रिय जो हमें मांग रहा है, यदि हम उसे और देंगे तो उसे और चाहिए रहेगा। लेकिन जैसे आग में घी डालने से भभकता है, वैसे ही और भभकेगा। लेकिन यदि जब आग लगी, जब इसकी शुरुआत हुई, उसी समय हम इस आग में घी ना डालकर पानी डाल दें तो ये आग शांत हो जाएगी। तो शुरुआत से ही हमें अपने इंद्रियों को क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल करना पड़ेगा। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल and please press the bell icon. You can also follow me on Instagram and Facebook. That's rupanugadas.rgm. Hare Krishna. Thank you so much.